हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आई एम फिटर पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यूपी आरवीएनएल का जो एग्ज़ाम है, तो यूपी आरवीएनएल TG2 ही नहीं, यहाँ पर यूपी आरवीएनएल की जो वैकेंसी है, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, उसका एग्ज़ाम कब हो सकता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। और साथ ही मैंने आपको बता दिया है, एक वीडियो पहले बनाई है कि इसकी लास्ट डेट जो है फॉर्म भरने की वो बढ़ चुकी है। अगर आपने अभी तक नहीं भरा है तो जाकर उसको भर दीजिएगा। तो आज की वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ कि किस हिसाब से मैं आपको इस डेट का पूरा बता रहा हूँ कि कब एग्ज़ाम हो सकता है इसका। आइए शुरू करते हैं वीडियो को। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। आइए शुरू कर लेते हैं वीडियो को। तो देखिए दोस्तों, ये नोटिस जो है वो यूपी आरवीएनएल की तरफ से कुछ दिन पहले आया था। तो इस नोटिस में जो है इसकी डेट एक्सटेंडेड जो की हुई थी, अभी बढ़ाई है, पहले 25/5/2020 इसकी डेट थी, किसकी, फॉर्म भरने की, ठीक है, 25/5 इसकी डेट थी, उसको बढ़ाते हुए जो है 30/6 कर दिया है। यानी कि आपको यहाँ पर क्या है, एक महीना आगे बढ़ा दिया है, ये यहाँ पर जून कर दिया है, ठीक है, इसको जून कर दिया है। और यहाँ पर जो थी ये डेट सिर्फ मई तक थी, 25 मई तक, लेकिन इसको यहाँ से बढ़ा करके जून कर दिया है। इसके बाद दोस्तों आगे इन्होंने बताया है, एवं परीक्षा शुल्क जमा कराने की तिथि 2/7/2020 इन्होंने इसकी डेट को कर दिया है। तो दोस्तों हुआ क्या है, सातवां महीना जो है हमारा, यहाँ तक तो आपका फॉर्म, ये मान लीजिए परीक्षा शुल्क यानी कि आपका फॉर्म ही चल रहा है, ये मान लीजिए आप एक तरह से, तो जुलाई तक, ठीक है, जुलाई तक तो आपका फॉर्म चल ही रहा है। इसके बाद क्या होगा दोस्तों, जब आप सभी के फॉर्म फिल हो जाएंगे, यानी कि आफ्टर 2/7/20, इसके बाद क्या होगा दोस्तों, आपके फॉर्म्स जो हैं उनकी चेकिंग प्रक्रिया होंगी। इसमें क्या होगा मैं आपको बता दूं, इसमें क्या चेकिंग होगा, जैसे किसी के डॉक्यूमेंट्स प्रॉब्लम है तो उन फॉर्म्स को वो क्या करते हैं, वहाँ से कैंसिल कर देते हैं। कुछ फॉर्म्स जो है, कोई डबल फॉर्म डाल देता है, किसी का पेमेंट फेल्ड हो जाता है, तो इस वजह से भी जो है फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये सारे रिजेक्शन काम हुआ और उनकी चेकिंग हुई, सब कुछ ये सब प्रोसेस करने में उनको लगभग 1 मंथ लग जाता है, ठीक है, ये सब करने में लगभग 1 महीना लग जाता है। तो आपका 2 जुलाई को करीब फॉर्म की लास्ट डेट थी, तो ये मान लीजिए आप कि आपका जुलाई महीना पूरा इस प्रकार से निकल जाएगा। इसके बाद बात आती है दोस्तों अगस्त की, तो अगस्त महीना उनके पास मिलता है, उसमें क्या है दोस्तों, एग्ज़ाम कैसे करवाना है, कहाँ पर करवाना है, एग्ज़ाम सेंटर्स और पेपर मेकिंग आदि सब कुछ काम में लगभग हम 1 महीना और भी इनका जोड़ देते हैं। तो आपका क्या है, जुलाई और अगस्त हमने इसमें जोड़ लिया है कि आपका फॉर्म भरने में और आपकी चेकिंग वगैरह सब कुछ में ये 2 महीने आपके निकल जाते हैं। तो एवरेज मेरे हिसाब से जो है, तो सितंबर के स्टार्टिंग में या फिर सितंबर के एंड में जो है आपकी परीक्षा लगभग करवाई जा सकती है। सितंबर में आपको बता रहा हूँ, लगभग आपको मैंने दिया है, यहाँ पर मैंने आपको बताया है, लगभग आपको 2 महीने का टाइम बताया है, और इसका रीज़न भी मैंने यहाँ पर आपको बताया है कि आपका जो है 2/7/2020 को जो है फॉर्म की लास्ट डेट होगी, यानी कि आप इस तारीख तक फॉर्म डाल देंगे, और लगभग आप जो है सातवां महीना जब एंड होगा तब तक आपके फॉर्म्स की चेकिंग वगैरह सब कुछ प्रक्रिया चलेगी। इसके बाद भी हम 1 महीना यहाँ पर जोड़ते हैं कि इनको पूरी तैयारी करनी भी है, एग्ज़ाम कब करवाना है ये सब वगैरह, तो उसके लिए भी दोस्तों 1 महीना हम इसका मानते हैं। तो 7वां महीना + 8वां महीना यहाँ पर हो जाता है, तो ये जुलाई हो जाता है, ये अगस्त हो जाता है। इसके बाद आता है दोस्तों सितंबर, तो सितंबर में आपका एग्ज़ाम लगभग हो सकता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, ये मैंने आपको एक एवरेज बताया है। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हो सकता है आपको जानकारी अच्छी लगी हो, और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियोज़ को लाइक किया कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। बाय बाय दोस्तों, हम मिलेंगे अगली वीडियो में।